Welcome to the channel of Constant Learner. In this video, we are going to discuss a chapter of EVS and the name of the chapter is Poonam's Day Out. इस चैप्टर में पूनम नाम की एक लड़की है जो कि अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपना ऑब्जर्वेशन बताती है. सो लेट गेट स्टार्टेड. माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टूडे. आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट टू डेज. अब पूनम उसकी मम्मा से बोलती है, उसकी मदर से बोलती है कि मुझे स्कूल जाने दो आज. मैं कब से घर पे हूँ, यानी बोलती है कि मैं पास्ट टू डेज से, यानी पिछले दो दिनों से घर पे हूँ. आई एम गेटिंग बोर्ड, सेड पूनम. और पूनम बोल रही कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, यानी मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे घर पे रहने में. बट यू स्टिल हैव फीवर. अब उसकी मदर बोलती है कि भाई तुम्हें अभी भी फीवर है, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ. उसकी माँ ने बोला कि बाहर जाओ और कॉट पर लेट जाओ. कॉट क्या होती है, जिसे हम खटिया वगैरह बोलते हैं ना, चारपाई जिसको बोलते हैं वो. पूनम फेल एसलीप ऑन द कॉट. और पूनम उस कॉट पे सो जाती है. सडनली अचानक से क्या होता है, समथिंग फेल ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे कुछ गिर जाता है. पूनम वॉक अप एट वंस एंड टच हर चीक. अब पूनम की नींद खुलती है जो उसके चेहरे पे गिरा हुआ रहता है. फिर पूनम क्या करती है, अपने चीक को, अपने गालों को टच करती है और बोलती है ओ नो, हूज मिस्चीफ इज दिस, कि नहीं ये किसकी शैतानी है. मिस्चीफ का मतलब होता है शैतानी करना. इज इट क्रो और द पीजन्स, इट सीम्स इट्स द क्रो. अब वो बोलती है क्या ये क्रो ने करी है या पीजन ने करी है, यानी कबूतर ने करी है ये मिस्चीफ, ये शैतानी तो क्रो की लगती है. अब यहाँ पे उसके चीक पर जो उसका पूप रहती है वो गिर जाती है, शिट जो जिसको हम बोलते हैं पूनम के चीक के ऊपर, वो गिर जाती है. और वो बोलती है कि क्या ये कौवे की है या फिर पीजन की है, दोनों में से एक की हो सकती है. लेकिन उसको लगता है, उसको ज़्यादा लगता है कि भाई ये क्रो की है. अब यहाँ पे पूनम डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उसको देखती है. जैसे यहाँ पे पीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एंट्स दिखाई दे रही है, मंकी दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायरल है और क्रो है और बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स हैं. अब यहाँ पे आपको कुछ बोला गया, क्वेश्चन दिया गया. पूनम लुक्ड अप, पूनम ने देखा, शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री. अब पूनम ने उस ट्री पे बहुत सारे एनिमल्स देखे. जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उन्होंने सारे एनिमल्स देखे. विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री, आप कौन से एनिमल को स्पॉट कर सकते हैं इस ट्री में, उसके नाम आपको यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है वहाँ पर लिखने हैं. ओके सो लेट्स मूव. पूनम पिक्ड अप द लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप हर चीक विथ इट. अब पूनम ने क्या कहा, जो उसकी गाल पे जो पूप गिरी हुई थी उसको साफ करने के लिए उसने एक लीफ यानी पत्ती को उठाया ग्राउंड से और उसने वाइप्ड हर चीक विथ इट, अपना जो गाल था वो साफ किया उस पत्ती की मदद से. बट हर चीक वो स्टिल स्टिकी, लेकिन उसका जो चीक था, उसके जो गाल थे वो अभी भी स्टिकी थे, यानी चिपचिपे थे, मतलब वो पूरी तरीके से वो निकली नहीं थी. शी थॉट, उसने सोचा था, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉन्ड, कि चलो मैं जो पास में जो मेरे पॉन्ड है, तालाब है, वहाँ पर जाती हूँ और अपना फेस जो है वो साफ करती हूँ. देखो यहाँ पर पूनम बैठी हुई है, अपना फेस साफ कर रही है और यहाँ पर भी देखो उसको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एनिमल्स दिखते हैं. उसको बफेलो दिखती है, उसको गोट दिखती है, उसको फ्रॉग दिखता है और टॉर्टोइज दिखता है, बहुत सारी चीज़ें उसको यहाँ पे दिखती है. अब यहाँ पे आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है, विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, कि पूनम ने कितने एनिमल्स को देखा. वो आप यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में लिख सकते हो, जैसे बफेलो है और फ्रॉग है, टॉर्टोइज वगैरह ये सब. ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये आपको एक्टिविटी दी गई है, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स इन द पॉन्ड, कि आप जो एनिमल्स देखे गए हैं पॉन्ड में आप उनकी तरह एक्ट कर सकते हैं, यानी उनकी नकल कर सकते हो. विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट, और कौन कौन से एनिमल्स किस तरीके के साउंड यानी आवाज़ें रहती हैं, उनके किस तरीके के मूवमेंट रहते हैं, वो चलते कैसे हैं. मतलब ओवरऑल इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है, आपको इस चीज़ से अवगत कराया जाएगा कि जो हमारा साउंड है एनिमल्स का वो कैसा रहता है, ठीक है, और उनके मूवमेंट वो चलते कैसे हैं, ये सब के बारे इस क्वेश्चन का मकसद यही है आपसे पूछने का. डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर.
अब डिफरेंट यानी अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। सम एनिमल्स वॉक, कुछ एनिमल्स चलते हैं। सम क्रॉल, कुछ रेंगते हैं। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। सम फ्लाई, कुछ उड़ते हैं। एंड सम स्विम, और कुछ तैरते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, और उसी के लिए कुछ एनिमल्स अपने फीट अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं। सम यूज देयर विंग्स, कुछ अपने पंख का इंतजार पंख का जो रहता है उसकी हेल्प से उड़ते हैं। और सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ एनिमल्स जो है वो अपनी पूंछ की मदद से भी मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पूंछ की हेल्प से हम देखें तो फिश जो रहती है वो एक तरीके से मूवमेंट करती है। और यही चीज़ आपसे पूछा गया है इसमें कि यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, आप लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे। अब आपको लिखना है कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जैसे जो फ्लाई कर सकते हैं यानी जो उड़ सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हो पैरट है, और कोई सी भी बर्ड्स का यहाँ नाम लिख सकते हैं जो आपने देखी है। ओके, कैन क्रॉल, और रेंगता कौन है, रेंगकर कौन चल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्नेक है, स्नेल है, और लिजर्ट है, ये सब क्रॉल करते हैं, है ना। कैन वॉक, कोई चल सकता है। जैसे हमारी काउ है, गॉट है, ये सब चल सकती है। एंड हॉप का मतलब क्या होता है, हॉप का मतलब होता है यहाँ पे कूदना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग है वो भी हॉप करता है, बर्ड है वो भी हॉप करती है। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट लास्ट थ्री लाइन्स है। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन ट्रीज, कुछ एनिमल्स पेड़ पे रहते हैं। सम इन वाटर, कुछ हमारे पानी में रहते हैं। सम लीव ऑन लैंड, और कुछ हमारे लैंड पर यानी जमीन पर रहते हैं। सम लीव अंडर द ग्राउंड एंड सम फ्लाई इन द स्काई, कुछ हमारे अंडर द ग्राउंड यानी जमीन के अंदर रहते हैं और कुछ जो रहते हैं वो हमारे स्काई पे फ्लाई करते हैं। सम एनिमल्स इवन लिव इन अवर हाउसेस, और कुछ एनिमल्स जो है वो हमारे घर में भी रहते हैं। ये इसमें इस लाइन्स में आपको एनिमल के हैबिटेट की भाई वो कहाँ पर रहते हैं उसके बारे में बताया गया है। सो आप गेस करिएगा कि कौन सा एनिमल लैंड पर रहता है, कौन सा अंडरग्राउंड रहता है, कौन सा फ्लाई कर सकता है, और कौन कौन से एनिमल्स हमारे घर में भी रह सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।